बोला उनकी अम्मी और आंटी बहुत अच्छे हैं मेरे लिए, खुदा के समान है। उनकी अम्मी और आंटी, उनके अब्बा, उन्होंने मुझे अज़ बहू अपना ली। लेकिन आदिल मुझे अपना नहीं रहे हैं, शादीशुदा है वो मेरे साथ, लेकिन वो लड़की के लिए मुझे अपना नहीं रहे हैं। और जी लड़की का नाम क्या है? मैं नहीं बता सकते ना लड़की का नाम, दो मिनट लगता है। आदिल ने मुझे धमकी दी है कि वो मुझे डाइवोर्स दे देंगे कि अगर मैं वो लड़की का नाम इनके फोटो वोटो सब बता दिया तो। राखी जी, मेरा दो सवाल रहेगा लास्ट। पहला तो आज सुबह के ही वीडियो में मैंने जब देखा तब आदिल ने कहा कि जब आप उनके साथ लंच करते हो, डिनर करते हो, आप खुश रहते हो, बट मीडिया में आके आप दुखी हो जाते हो, एक पहला सवाल रहेगा। और दूसरा सवाल रहेगा कि आपने शादी 8 महीने तक छुपाई, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? आप मराठी बिग बॉस भी गए थे, मराठी बिग बॉस के बाद आने के बाद आपने शादी? देखिए हमारे गोल्डन मोमेंट्स भी रहे हैं, अच्छे मोमेंट्स भी रहे हैं, तो जब खाने जाएंगे तो क्या इंसान थोड़ी ना रोएगा? जब आप किसी को तकलीफ देंगे, आप किसी को तकलीफ देंगे इंसान तब रोएगा ना। जब से मराठी बिग बॉस के बाहर मैं आई हूँ एक दिन भी खामोश नहीं बैठी हूँ रोने के अलावा। जब मुझे पता चला कि इनका अफेयर चल रहा है, इनके 7-8 महीने की शादी में मैंने 3 लड़कियों से इनको अलग किया है, वक्त आने पर 3 लड़कियों का नाम फोटो वोटो दे दूंगी। पहले तो मेरे के देश की जनता जिसको मैंने इतना एंटरटेन किया जिंदगी में वो मेरा मजाक उड़ा रही है। अल्लाह, अब्बा पिता, खुदा, परमेश्वर, कभी आपकी बहू बेटी के साथ जो मेरे साथ हुआ ना ऐसा कभी ना करें। अगर ऐसा हो तो आप उन पे भी हंसना जितना आप मेरे पे हंस रहे हो, मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मेरे सच्चाई को, मेरे दुख को ड्रामा बता रहे हो। मतलब आप मेरे को प्रवोक कर रहे हो कि मैं वीडियो सब कुछ बताऊं, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी, इसीलिए कि वो वक्त नहीं आया है। लेकिन कल लड़की ने प्रूफ कर दिया है, उसने कहा है कि वो आदिल को नहीं छोड़ेगी, और आदिल ने भी बोला है कि मैं एक टाइम पे तुमको छोड़ सकता हूँ लेकिन उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। वाह, क्या शादी है मेरी, तुम लोग के सामने मुझे रोना नहीं है, नहीं रोऊंगी, मेरा मजाक उड़ाते हो सब लोग, नहीं रोना है मुझे तुम लोग के सामने, मेरा मजाक उड़ाते हो। राखी, कल आदिल ने कहा था कि सारी